अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तुर्की इस्तांबुल में सलून का बिज़नेस कैसे करते हैं, यानी कि आप एक हमाम कैसे डाल सकते हैं और कैसे इधर काम कर सकते हैं। जो भी है वो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इंशाल्लाह कुछ सीखने को कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इधर, पहली तो बात है कि आप वर्क परमिट पर हो, यानी कि इधर का परमिट वर्क का जो वीज़ा है वो। तो दोस्तों, उसके बाद अगर आपको एक वर्गली वर्गली जो इधर की होती है रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि हमाम के लिए ये जो सेटअप आप देख रहे हैं पीछे, ठीक है, ऐसा एक सेटअप बनाना पड़ेगा। सेटअप के बाद जो जनाब आती है बात वो आपके सामने है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपने वर्गली भी ले ली, सेटअप भी ले लिया, और इसके लिए जो खर्चा है कम से कम वो तकरीबन 15,000 लीरे के बराबर आता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन यानी कि डॉलर्स में अगर हम बात करें तो तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर बन जाता है। तो इसके बाद अगर दूसरी हम बात करते हैं दूसरी तरफ, तो इधर कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनका अपना हमाम भी नहीं है, और वो कैसे काम करते हैं कि काम इस काम के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, तुर्किश लैंग्वेज के बारे में आपको इलम होना चाहिए। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ज़ुबान आनी चाहिए, फिर ये सेटअप आप चला सकते हैं। तो उसके बाद जो दोस्त मेरे इधर काम करते हैं उनको भी, वो भी यही रिक्वायरमेंट है उनकी कि इधर लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज आती है आपको तो आप किसी भी शॉप में आप यानी कि वर्क कर सकते हो। और इस वर्किंग के बारे में इधर का कोई यानी कि निज़ाम ऐसा है कि डेली बेसिस पर जो है पैसे नहीं मिलते हैं, वो ऐसे इधर का सिस्टम है कि जो हमाम वगैरह में मेरे दोस्त लगे हैं उनसे इंफॉर्मेशन के बाद ये पता चला कि अगर दिन में आपने 10 कस्टमर इस विज़िट करते हैं शॉप पर, तो 10 में से 5 आपके और 5 जो हैं वो मालिक के होते हैं, जिसकी दुकान होती है, जो फ़र्क करते हैं। दैट्स ओनली वर्क वर्किंग। और अगर आपका अपना सेटअप है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है अगर 10 ही करते हैं तो 10 ही आपके हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों, आपको ज़ुबान आनी चाहिए, ठीक है। दो ज़ुबान के लिए जो पुराने बंदे हैं काफ़ी वही हैं, और ज़ुबान के टॉपिक पर जो मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे जो मैं आइडियाज़ इस्तांबुल में आप कर सकते हो उनके बारे में वीडियोस नई नई अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।